आसाम इज ड्राउनिंग। आपने तो सुना ही होगा, पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली न्यूज में तो देखा ही होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बात बड़े शहरों की नहीं, नॉर्थ ईस्ट की हो रही है। क्या फर्क पड़ता है? हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन सिर्फ उनकी नेचुरल ब्यूटी के लिए, उनके नेचुरल डिजास्टर्स के लिए नहीं। क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। हर साल फ्लड्स की वजह से 26 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। हर साल फ्लड्स की वजह से हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से काजीरंगा नेशनल पार्क में पोचर से ज्यादा राइनोस तो फ्लड से मर रहे। टुडे इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स वी वांट टू टेल यू कि आसाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। वी आर एक्चुअली गोइंग टू सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए सो दैट ये सॉल्यूशंस और लोगों तक पहुंचे। लेकिन असम में हर साल फ्लड्स क्यों होते? बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ह्यूज। द रिवर इज सो बिग दैट इट्स विजिबल फ्रॉम स्पेस। And this river can't be tamed because it carries not just water but a mixture of soil, clay and nutrients, sediment. During the monsoons, this river carries 2.12 million metric tons of sediment every single day. You would need 141,300 trucks to carry all this away. समर्स में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और इमीडिएटली मॉनसून में बारिश होती है। पिछले कुछ सालों में साइक्लोन्स की वजह से इस बारिश की इंटेंसिटी बढ़ गई। एज अ रिजल्ट असम सफर्स। 1950s में एक अर्थक्वेक की वजह से ब्रह्मपुत्र की वाटर लेवल बढ़ गई और फ्लड्स की इंटेंसिटी भी। लेकिन एक्चुअली फ्लड्स असम के लिए नेसेसरी है, उनके एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये फ्लड्स पानी के साथ साथ सेडिमेंट भी कैरी करते हैं जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल इतनी फर्टाइल होती है। फ्लड्स असम की एक रियलिटी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं, नेचुरल डिजास्टर्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्लियर टाइम्स इफ देयर वाज अ फ्लड देन द एनिमल्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क वुड जस्ट मूव टू अ हायर ग्राउंड। लेकिन आज फ्लड्स आने पर इस नदी का पानी इस हाई ग्राउंड से भी ऊपर जाता है। क्लाइमेट चेंज इज रियल। ह्यूमंस आर मेकिंग इट वर्स बट वी कैन चेंज। देखिए, फ्लड्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक फ्लड का नेचुरल डिजास्टर होने से रोकना हमारे कंट्रोल में है। नंबर 1, क्रिएट अ स्पंज सिटी। मॉनसून में बहुत ज्यादा पानी और बाकी साल में पानी की कमी, इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्पंज सिटी। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। यू मस्ट हैव सीन वीडियोस लाइक दिस। इसे कहते हैं पोरस एस्फॉल्ट। वी कैन मेक रोड्स लाइक दिस एंड कनेक्ट दीज रोड्स टू अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। स्पंज सिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एक सिटी अपने वाटर इनफ्लो को मैनेज करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनती है। इट कैन होल्ड क्लीन एंड रेन वाटर इन अ नेचुरल वे। ये जो सारा एक्स्ट्रा पानी आता है वो अर्बन फार्मिंग, गार्डनिंग और टॉयलेट्स में यूज हो सकता है। नंबर 2, फ्लड प्लेन्स। इन सिंपल वर्ड्स, गिव रिवर्स मोर स्पेस। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? एक ऐसा फ्लैट एरिया जो किसी भी रिवर को ओवरफ्लो होने का चांस देता है, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ट्रीज के रूट्स अपने ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं, पानी का फ्लो स्लो करते हैं। ये हमने बचपन से सीखा, फिर भी हम डेवलपमेंट के नाम पर रिवर बेड्स पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और रिवर बेड्स और हमारी सेटलमेंट्स के बीच वाली गैप को कम कर रहे हैं। This video explains how flood plains work. ये है वेटीवर या खस। ये एक फास्ट ग्रोइंग ग्रास है जिसे एसेंशियल ऑयल्स के लिए ग्रो करते हैं। वेटीवर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे ये ग्रास से एरिया को फ्लड रेजिस्टेंट बनाते हैं। इससे फ्लड को रोकने में मदद तो होगी ही, बट लोकल्स को भी फायदा होगा। नंबर 3, अर्ली वार्निंग्स। ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। But their disaster management system has massively improved. Last year they moved over 1 million people to safety before cyclone Fani. हमें इन फ्लड्स की इन्फॉर्मेशन छोटे विलेजेस तक टाइम में पहुंचानी हो, हमें प्रॉब्लम्स होने के बाद उनका रिएक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने का अप्रोच बंद करना हो, हमें प्रोएक्टिव होना होगा। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और अदरवाइज हर साल फ्लड्स आते रहेंगे और हर साल डिजास्टर्स होते रहेंगे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने और नियो ने यह डिसाइड किया है कि आज से इन टी शर्ट से होने वाला 100% प्रॉफिट हम असम फ्लड्स के लिए डोनेट करने वाले। दिस टी शर्ट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स एंड स्क्रैप कॉटन। आज से इन टी शर्ट्स का स्टॉक खत्म होने तक जो भी प्रॉफिट होगा, ऑल ऑफ दैट प्रॉफिट विल गो टू द पीपल ऑफ असम। सो यू कैन बाय द टी शर्ट एंड सपोर्ट देम। इफ यू डोंट वांट टू बाय अ टी शर्ट, यू कैन डोनेट टू एनी ऑफ द कॉजेस हियर। द लिंक्स विल बी इन आवर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। और अगर आप पैसे डोनेट नहीं कर सकते तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, टैग योर फ्रेंड्स, टैग योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, सो दैट जिन लोगों के पास पैसे डोनेट करने की कैपेसिटी है उन तक ये मैसेज पहुंचे। इमेजिन अगर 1 लाख लोग 50 रुपए भी डोनेट कर पाए तो वी विल बी एबल टू रेज 50 लाख रुपीज जस्ट लाइक दैट, एंड दैट पावर इज इन योर हैंड्स। असम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे इंडियन फैमिली का एक हिस्सा है और हमने उनके प्रॉब्लम्स को बहुत टाइम के लिए ग्रांटेड लिया। नाउ इट्स टाइम टू चेंज। अगर हम, आप और मैं, नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए वहां पर जाकर फोटोज ले सकते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी कर सकते हैं। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।